कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय इंडियन ब्रदर्स, क्योंकि गाइस हमारा इंडिया सर्वर पे फाइनली OB34 का पैच अपडेट आने वाला है। गैरिना फ्री फायर इंडिया ऑफिशियली ये न्यूज़ को कंफर्म कर दिया है। बेसिकली ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोग देख सकते हो, हमारा इंडिया सर्वर पे 25 मई के दिन OB34 का पैच अपडेट आने वाला है। से गाइस पैच अपडेट नहीं आने वाला है, पैच अपडेट के साथ आप लोगों को बहुत सारा फ्री का रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। UMP जेब्रा पेपर कट, M60 वाइल्ड विंड, M4A1 नेदर वर्ल्ड एंड गाइस आप लोगों को प्ले टाइम रिवॉर्ड में मैजिक क्यूब दिया जाएगा। बेसिकली जो तीन गन स्किन में आप लोगों को बताया, ये तीन गन स्किन में से आप लोगों को एक ही गन स्किन परमानेंट मिलने वाला है। जस्ट आप लोगों को गेम के अंदर लॉग इन करना है, जस्ट गाइस आप लोगों को गेम के अंदर लॉग इन करना है। तो आप लोगों को नॉर्मल फ्री फायर के अंदर ये रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, आप लोगों को फ्री फायर मैक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो इवेंट्स है ये से फ्री फायर मैक्स के अंदर दिया जाएगा। देखो गाइस रिवॉर्ड्स चाहे अच्छे हो या वाले हो, हमारा इंडिया सर्वर पे OB34 का पेज अपडेट आ रहा है, यही सबसे बढ़िया बात है। एंड गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जब कोई नया ओबी अपडेट आता है, चाहे जो भी एप्लीकेशन हो वो न्यू वर्सन में अवेलेबल होता है, उसका जो नेम होता है वो नेम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है वो भी अपडेट होता है। गाइस एक लिटिल पॉसिबिलिटी है, बहुत ही छोटा सा एक पॉसिबिलिटी है कि इस अपडेट के साथ साथ हमारा जो नॉर्मल फ्री फायर है वो प्ले स्टोर में वापस आ जाए। बाकी ये तो कोई कंफर्म न्यूज है नहीं, मेरा प्रेडिक्शन के ऊपर बता रहा हूँ। बट गाइस आप लोगों को 25 मई के दिन OB34 का पैच अपडेट देखने को मिलेगा एंड आप लोगों के सारे रिवॉर्ड मिल जाएगा। बात करते हैं OB34 पैच अपडेट में आने वाला न्यू पेट फिन का एबिलिटी के ऊपर। इसका जो लुक है एक कतई जहर है, बट इसका जो एबिलिटी होने वाला है वो उतना सा भी खास नहीं है। क्योंकि गाइस जब आप लोग किसी एनिमी को किल करोगे या नॉकडाउन करोगे तो आपको एंड आपका जो टीममेट्स है टीममेट्स को एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड मिलने वाला है। वीडियो क्लिप में देख सकते हो, मैं मेरा सामने एक एनिमी आया है, एनिमी को मैं किल कर दिया तो ऊपर में एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि आपका जो टीममेट्स है एंड आपका मूवमेंट स्पीड प्लस कर दिया गया। एंड गाइस ये एक पेट का स्किल है, तो गाइस आप लोग समझ सकते हो जैसे जैसे आप लोग पेट का लेवल अप करता जाओगे इसका जो स्किल है स्किल बढ़ता जाएगा, कूल डाउन टाइम रिड्यूस होता जाएगा। बाकी गाइस पेट का फुल डिटेल्स आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो उतना भी पावरफुल पेट तो नहीं होने वाला। बात करते हैं OB34 पैच अपडेट का कैरेक्टर रिवॉर्ड के ऊपर। बेसिकली हम लोग हमारा कीमती जेम्स कीमती गोल्ड वेस्ट करके बहुत सारा कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बना लिया। बट गाइस हम लोग गेम प्ले करते हैं लिमिटेड कैरेक्टर्स के साथ, चाहे वो डीजे आलोक हो या केली हो। बट गाइस ऐसा कुछ कैरेक्टर्स है जिसका लुक के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे जोसेफ मीसा ये सारे कैरेक्टर का लुक के वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। इसलिए गाइस हमारा जो जोसेफ कैरेक्टर है, जोसेफ कैरेक्टर का जो बाल है मुंह का स्टाइल है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। करंट टाइम पे आप लोगों को हमारा जो जोसेफ कैरेक्टर है कुछ ऐसा देखने को मिलता है, वो भी 34 पेज अपडेट का बात ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब बुढ़ा जोसेफ यंग जोसेफ में ट्रांसफर होने वाला है। मीसा का जो आउटफिट है, मीसा का आउटफिट के अंदर भी बदलाव आने वाला है। करंट टाइम पे मीसा को कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बट गाइस OB34 अपडेट का बात मीसा को ऐसा देखने को मिलेगा। एंटोनियो कैरेक्टर का जो मूवमेंट है, जो स्पेशल इमोट होता है, वो इमोट में बदलाव देखने को मिलेगा। करंट टाइम पे एंटोनियो कैरेक्टर सनप पी के ऐसा करता है, आप लोगों को पता है अभी के टाइम गेम के अंदर। बट गाइस OB34 अपडेट का बात कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दो हाथ में AK-47 लेके यो यो करने वाला है। तो गाइस ऐसा कुछ लुक के अंदर बदलाव आने वाला है। बाकी कुछ कैरेक्टर को बाफ किया जा रहा है, मतलब कुछ कैरेक्टर का जो पावर है उसको प्लस किया जा रहा है, कुछ कैरेक्टर का पावर नर्फ किया जा रहा है, मतलब उसका जो पावर है उसको माइनस किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सा कैरेक्टर का जो एबिलिटी है उसको प्लस किया जा रहा है। नाइडी, केंटा, साइनी, क्लू, क्रोनो, स्टेफी, ये सारे के सारे कैरेक्टर का जो पावर है इसको प्लस किया जा रहा है। उल्टी तरफ हमारा A124, मीसा, स्काइलर, ये तीन कैरेक्टर का जो पावर है उसको माइनस किया जा रहा है। बाकी गाइस बात करते हैं OB34 अपडेट के अंदर आने वाला कुछ मिनी अपडेट के ऊपर। जो सीजन 50 का इलाइट पास है वो हमारा OB34 का अपडेट में ही आने वाला है।
जो बेसिकली साइबर वास्प थीम के ऊपर होने वाला है। उसी के साथ साथ गाइस सीजन 51 का इलाइट पास हमारा कोम्फू का थीम के ऊपर होने वाला है, वो भी अपडेट के बाद मैं आप लोगों को ये दो इलाइट पास का रिव्यू दे दूंगा। बाकी गाइस बात करते हैं कौन कौन सा ट्रेलर गेम के अंदर आने वाला है ओबी 34 अपडेट का बाद। देखो गाइस दो इलाइट पास आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप लोगों को दो इलाइट पास का ट्रेलर देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ मेगा इवेंट रैम्पेज का भी ट्रेलर ओबी 34 अपडेट का बाद देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ एक और ट्रेलर आने वाला है जो बेसिकली जिसका नाम होने वाला है सुपर प्लेयर, एक गाचा इवेंट के अंदर आने वाला है। गाचा इवेंट क्या होता है आप लोगों को बता देता हूं, चाहे वो फेडेड व्हील इवेंट हो, इनक्यूबेटर रॉयल हो या टोकन टावर हो, ये सारे के सारे इवेंट को गाचा इवेंट कहा जाता है, मतलब जो लाग रॉयल का सेक्शन के अंदर आता है। बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को एक ट्रेलर देखने को मिलेगा, बट कहां देखने को मिलेगा वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, बट आप लोगों को सुपर प्लेयर नाम का एक ट्रेलर देखने को मिलेगा। बाकी गाइस बात करते हैं ओबी 34 अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ लोडिंग स्क्रीन एंड लॉबी देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैं बता देता हूं ओबी 34 अपडेट में दो नया मेगा इवेंट आने वाला है, एक है रैम्पेज इवेंट, एक है BIS इवेंट। बेसिकली 5th एनिवर्सरी इवेंट का कुछ भी फाइल्स अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा है। 5th एनिवर्सरी इवेंट का नाम शायद BIS इवेंट हो सकता है, बट अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूं। जो भी होगा इस रैम्पेज इवेंट स्पेशल लोडिंग स्क्रीन प्लस लॉबी देखने को मिलेगा, BIS इवेंट स्पेशल आप लोगों को लोडिंग स्क्रीन प्लस लॉबी देखने को मिलेगा। बाकी गाइस आज का वीडियो में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, आशा करता हूं गाइस आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हां गाइस वीडियो छोड़ के जाने से पहले छोटा सा एंड प्यारा सा एक कमेंट कर दो, क्योंकि गाइस आप लोग जितना सारा कमेंट करोगे तभी गाइस तुम्हारा इस भाई का वीडियो चलेगा। तो गाइस आज का वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा। खुद का ख्याल रखना, खुद का फैमिली का भी ख्याल रखना।